अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन करना डेसिमल नंबर्स का। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? देखो बेटा, सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता आज की तारीख में, मैं ये जानता हूँ। देखो 2.4 है, 2.4 को मैंने क्या कहा आपसे, 1.2 से मल्टीप्लाई करो, दो डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या कहा, सर ये तो बहुत टफ है, मुझे तो नहीं आता। मैंने आपसे कहा बेटा तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ अभी, तू 24 और 12 का मल्टीप्लाई करके बता दे मुझे। तो बच्चे ने कहा हाँ सर ये मैं कर लूँगा, ये मैंने पिछली क्लासेस में करा है। तो उसने कहा कि सर सीधा अगर डिजिट नहीं आती है तो ऐसे कर देंगे, क्या बोलेगा वो, 2 4 8, 2 2 4, यहाँ पे क्रॉस, 4 1 4 और 2 1 2। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, तो यार होशियार निकला। तो उसने कहा कि सर ये आया मेरे पास 288। मैंने कहा बहुत अच्छे बच्चे, अब एक बात बता, तेरे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आया, 288। अब तुझे क्या करना है, अब इसमें पॉइंट लगाना है। तो क्या कर, ये एक पॉइंट आया, ये दूसरा पॉइंट आया, दो जगह दो नंबर पे पॉइंट आ रहा है ना, तो इधर जो आंसर आया उसमें दो डिजिट छोड़ के और पॉइंट लगा दे, तेरा यही आंसर है इनके मल्टीप्लाई का। तो यहाँ पे देख चमत्कार हो गया, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तूने तो क्या 24 और 12 मल्टीप्लाई किया था, लेकिन पॉइंट लगाने के बाद क्या आया मेरे पास, सीधा आंसर आ रहा है क्या, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 2.88 आ रहा है। मैंने कहा चलो ठीक है सर आपने सही कहा, लेकिन अगर मेरे पास दूसरा डेसिमल नंबर ही नहीं दिया हो तो। मैंने कहा वो भी कोई बात नहीं, जैसे 24 में अगर तुझे मैं 11 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोलूं तो आप क्या करोगे बेटा, सिंपली 24 लिखा, चलो ठीक है 24 और 11 का मल्टीप्लाई। मैंने कहा कि सर बिल्कुल ये लो सर, ये मैंने किया, ये आया मेरे पास, क्या आया बेटा कि 264। मैंने कहा बिल्कुल बेटा तू सही कह रहा है, तो जहाँ पे 1 पॉइंट आ रहा है ना वहाँ पे 1 पॉइंट छोड़ के तू डेसिमल लगा दे, तेरा आंसर 100% सही होगा, कोई से गलत नहीं कर सकता, मैं कह रहा हूँ तुझसे, यही इसका आंसर होगा, ये मल्टीप्लीकेशन के रूल है। अब देखो बेटा मैंने आपसे लिख दिया 38.625 मल्टीप्लाई बाय 10 करो। अब बच्चा कहता अरे सर अब क्या करना है, मैंने कहा कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में, क्योंकि बेटा जितनी बार जितनी ज़ीरो वाला नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, सपोज़ करो 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, कुछ भी है, वो कुछ भी नंबर है, जितनी बार पीछे ज़ीरो आ रहा है उतनी बार हम क्या करेंगे, उतनी बार हम इस पॉइंट को पीछे की तरफ लेते हुए जाएंगे। जैसे कि ये 1 टाइम 0 आ रहा तो 1 डिजिट पीछे ले जाएंगे, अब क्या हो जाएगा है 386.25, ये आंसर हो जाएगा बेटा। जैसे कि अगर 285.24 मल्टीप्लाई बाय मैंने 10 कहा आपसे, करो बेटा मल्टीप्लाई करो, तो उन्होंने कहा हाँ सर करते रहें, देखो क्या आ रहा है, सर आपने कहा था एक बार ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे 2 के पीछे, मैंने अगर यहाँ पे इस पॉइंट को लेके गया 2 और 4 के बीच में तो क्या सही होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, तू बिल्कुल सही कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं, यही आंसर होगा बच्चे, क्या जितनी बार ज़ीरो आ रहा है उतनी बार पीछे, उतनी डिजिट पीछे मैं अपने डेसिमल को शिफ्ट कर दूंगा। वापस से सुन लो, चेक कर लो, जितनी बार ज़ीरो आ रहा है उतनी बार पीछे मैं हमारे डेसिमल नंबर को उतनी डिजिट पीछे शिफ्ट कर दूंगा। सपोज़ करो मेरे पास 34.6389 ये लो 96 था, मैंने कहा कि बेटा आप तो मल्टीप्लाई करो 100 से। बच्चा घबरा गया, सर अरे बाप रे ये क्या कर दिया। तो फिर उसने थोड़ा ध्यान लगाया और उन्हें पूछा, सर ने बताया था कि 2 बार 0 आ रहा है तो 2 डिजिट पीछे इस डेसिमल नंबर को लेके चले जाओ तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल बेटा 34.38.96 आपने कर दिया, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा 30, तो क्या हो जाएगा 3438.96 है ना,
ये हो जाएगा। अच्छा एक बात और ध्यान रखने वाली बेटा, डेसिमल नंबर को पढ़ने का एक मेथड होता है, एक तरीका होता है। आप लोग क्या करते हो बेटा, आप किसी भी तरह से इसको पढ़ने लग जाते हो। पहली बात तो ये गलत है कि इसको किसी भी तरह से पढ़ना गलत बात होगी। जैसे कि आप ये देखो कि मेरे पास 34 पॉइंट यहाँ पे 38 दिया हुआ है, तो कुछ बच्चे इसको पढ़ते हैं सर 34.38, ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा कभी भी मत करना। मैथमेटिक्स में ये सब गलतियां होती है जो बार बार हमें टोक के सही करवाई जाती है। मैं अभी सही करवा रहा हूँ आपको, 34.38 दिया हुआ है मेरे को। सपोज यहाँ देखो 38.38 दिया हुआ है यहाँ पे मेरे को। अब इसको मेरा पढ़ने का तरीका क्या होगा, 38.38 ना होके वो क्या होगा 38.38। जैसे कि यहाँ पे 3438 गिवन है, तो इसके डेसिमल के पीछे वाले टर्म को मैं 96 नहीं पढ़ूंगा, 96 कभी नहीं पढ़ूंगा। इसको मैं क्या पढ़ूंगा, 96। क्या पढ़ूंगा बेटा, 96 पढ़ूंगा। वही मेरा सही मायने में सही आंसर होगा कहने के फॉर्म में, ठीक है। ये बात हो गई डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करने की बात। अब आती है बेटा डेसिमल नंबर को अगर मैं डिवाइड करता हूं, तो देख बच्चे ध्यान देने का, यहां पे डेसिमल नंबर को मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अब डिवाइड कर रहा हूं। डेसिमल डिवीजन, डेसिमल नंबर का डिवीजन, जैसे कि 2.1, 2.4 डिवाइड बाय 1.2 किया मैंने, अब क्या करेंगे बेटा, कुछ मत कर। एक बात ध्यान रख, जब भी मेरे पास 4.1 या फिर जितने भी, ये 4.12 ऐसे दे दिया मेरे को, तो कुछ नहीं करना है। इस पॉइंट को जब भी हम हटाते हैं ना, तो क्या होता है बेटा, ये डिवाइड के अंदर ऐसे अपॉन में क्या, नीचे की तरफ जितनी बार ये डिजिट आती है ना, उतनी बार जीरो लग जाता है, 1 0 0 लग जाएगा। अगर मेरे पास 3.436 दिया होता तो मैं ये पॉइंट हटाता, नीचे कितनी बार जीरो लगता, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट है ना, तो 3 टाइम्स 0 लग जाता। बात समझ में आ रही है। वैसे ही अगर 2.4 है तो मैं क्या करूँगा, 2.4 है सर, आपने बोला था कि 1 पॉइंट हटाओगे तो उतनी जितनी डिजिट पीछे होगी उतनी बार जीरो लगाएंगे, तो 1 डिजिट है तो 1 बार 0 लगा दिया, मतलब 10। ये डिवाइड बाय 1.2 है, पॉइंट हटाया तो डिवाइड बाय 10। तो उसने क्या कहा कि ये आ रहा है सर मेरे, तो मैंने कहा वेरी गुड बेटा। अब डिवाइड हटाए तो कहा तो क्या होगा, डिवाइड जब भी हटता है मतलब हटता नहीं है, ये मल्टीप्लाई में चेंज होता है। मल्टीप्लाई में जब भी ये डिवाइड चेंज होगा तो ये वाली डिजिट का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। फर्स्ट यूनिट में हमने घोट घोट के पढ़ा ये वाला, या फ्रैक्शन वाले पार्ट में आपने घोट घोट के पढ़ा होगा ये वाला। अब क्या हो गया, 10 से 10 कट हो गया। बच्चे ने बोला सर ये तो ये वाली टर्म आ रही है, मैंने कहा वेरी गुड, तो 12 का डिजिट बोल, 12 2 24, तो आंसर कितना आया, 2 आया, आया नहीं आया, आया ना 2 आंसर। तो ये इस तरह सॉल्व होते हैं ना। क्या करना है मेरे को, 4.8 डिवाइड बाय 0.2 दिया हो मेरे को, सपोज करो ये दे दिया, अब कैसे डिवाइड करोगे, कुछ भी मत करो, जितनी डिजिट आ रही है उतनी डिजिट पीछे जीरो लगा दो। चलो मैंने तो यहाँ पे 2 दिया इस बार, ये 0.02 दिया, चलो 0.02 दिया, चलो है ना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है बेटा, आपको बताया, देखिए आप करते हो कि नहीं करते। बच्चे ने कहा सर ये लो, ये लो, आपने 2 कहा था, ये 2 डिजिट पीछे, भले ये 0.0, ये 0.02 है, लेकिन 2 डिजिट आ गई ना, 0 भी तो 1 डिजिट है ना यार, तो 0 2, तो 2 डिजिट छोड़ के 0 लगा दूंगा। अब क्या करूंगा, 48 डिवाइड बाय 10, इसका रेसिप्रोकल करूंगा ना डिवाइड को हटाने के लिए, से ये कट हो गया, ये 24 कितना आया, 240, ये आंसर आएगा इस वाले सॉल्यूशन का, इस वाले आंसर का। ये बात समझ में आ गई। चलो ये डिवीजन हो गया, हमने क्या पढ़ लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ लिया। अब आएंगे हम हमारे कन्वर्जन, कन्वर्जन वाले टॉपिक पे। उसके लिए मैं एक नया पेज ले लेता हूँ आपके लिए। ले बेटा देख, मैंने नया पेज लिया तेरे लिए, देख बेटा क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ पे क्या कहा गया है, किंग हैरी, इसके कन्वर्जन, कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ। हाँ जी बेटा जी, तो अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन किस हिसाब से करेंगे हम, यहाँ देखेंगे। देखो बेटा आपके जैसे इसमें एग्जांपल में दिखाया, एक कन्वर्जन का मतलब क्या वो चीज़ समझें पहले अपन। तो देखो बेटा, आपने सबसे पहले किलो मीटर या किलोग्राम
ये सब पढ़ा होगा ना, किलोग्राम, किलोमीटर, मिलीलीटर, मीटर, सेंटीमीटर, ये पढ़ा है ना बेटा। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा हूँ तुम्हें। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि किलोमीटर को सेंटीमीटर या फिर मीटर में चेंज करना हो तो उसके लिए क्या एक रूल है मेरे पास, एक चीज, एक ट्रिक है ना, हमें याद करना पड़ता है। तो याद करने के लिए भी मैंने ट्रिक बनाई है आप लोगों के लिए, ताकि आपको क्या ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और आपका काम इजी हो जाए। क्या करना होगा बच्चे? कुछ नहीं करना है तुझे। तुझे क्या करना है बेटा, ये वाली लाइन रट ले तू। क्या? किंग हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच। किंग हैरी ड्राई, मदर डोंट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच। ठीक है, अब जो हमारी यूनिट होती है, किंग से क्या आ रहा है किलो, हैरी से हेक्टर आ रहा है हैक, डाइड का डेका, मदर का मीटर, डोंट का डेसी, क्राई का सेमी, मच का मिली। ये इसी फॉर्म में है, घटते हुए फॉर्म में है ये सारे। ठीक है बेटा, अब क्या होता है हमारा, अगर मैं आपसे पूछूं आपको कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहाँ जा रहे हो, किलो से मीटर पे जा रहे हो, है ना? तो आप क्या लिखोगे यहाँ, 1 लिखोगे, 1 2 3 0 लगा दोगे। क्या कहेंगे अब, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं सर, आपने पूछा उसका जवाब। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, यार तेरे को तो आ गया कि हाँ। मैंने कहा तो इस चीज को याद कर लेंगे क्या, किंग हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच। किंग हैरी डाइड, मदर डोंट क्राई मच। रटा दूंगा बेटा, अच्छे से रटा दूंगा, है ना? तो यहाँ पे देखो बेटा, किलो, हैक, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। एम से मिली, क्राई से सेंटी, डोंट से डेसी, मदर से मीटर, डाइड से डेका, हैरी से हेक्टर, किंग से किलो। चल मैं तो पूछता हूँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। बच्चा हड़बड़ा जाता है, बच्चा कहता है सर ये क्या पूछ लिया। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना था तुझे, यहाँ पे 1 लगा, बाकी जगह 0 लिख दे, सेंटीमीटर जहाँ तक आ रहा है। तो बोला सर 100 होते हैं क्या? वेरी गुड। अब मैंने पूछा 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, बोला कि सर पता नहीं। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1 लिख और यहाँ 0 लिख, कितना होता है बेटा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। बात समझ में आई? ये होता है। अब कन्वर्जन का बेसिक रूल क्या है बेटा, कि अगर तुझे मैं कहूँ, चलो ये तो ये वाली बात हो गई, अगर मैं कहूँ 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू हाउ मच, क्या लिखा मैंने यहाँ पे, एलो अच्छे, हाउ मच मीटर। बच्चे ने कहा सर बिकॉज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू, मैंने पढ़ा था, सर ने मुझे बताया कि ये किलो है, इसके आगे जी 1 लिखा, 0 लगाया तो 1000 आ रहा है, यहाँ पे 0 आएगा, मीटर के बारे में पूछ रहे हैं तो 1000 मीटर। तो देयर फोर 5 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 5000 मीटर। मैंने कहा वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ये तो बात हो गई ये वाली। अब मैंने आपसे पूछा कि बेटा ये बात तो ठीक है, यानी ये तो सही कहा, लेकिन एक बात बता कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, ये मैंने उससे पूछ लिया। बच्चा हड़बड़ा जाता है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सर ये तो मैंने तो उल्टा पढ़ा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आएगा एग्जाम में, लेकिन आपने तो कुछ और ही पढ़ा दिया। मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं बेटा, देखो क्या होता है, जैसे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो क्या होता है, ये हमें 1 सेंटीमीटर के बारे में दिया हुआ है। तो 1 सेंटीमीटर किस तरह आएगा बेटा, जब मैं इसका यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इधर लेके जाऊंगा। ये हमने इंटीजर वाले पार्ट में सीखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल, फ्रैक्शन वाले पार्ट में भी सीखा है। तो यहाँ क्या करेंगे, इस 100 को मैं इधर डिवाइड में लेके जाऊंगा। जब भी ये मल्टीप्लाई वाली चीज़, ये 100 क्या हो रही है, सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई हो रही है, जब जब भी ये इस तरफ आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये डिवाइड हो गया, तो ये यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, 1 डिवाइड बाय 100 मीटर
इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये 100 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100। देखो बेटा 1 सेंटीमीटर देयरफॉर कितना आ गया, देयरफॉर है ना, देयरफॉर 1/1000 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर, ये आ जाएगा अपने पास बेटा, है ना। जैसे कि अगर मैं पूछता कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं ये पूछता, तो आप क्या कहते, मैंने तो ये पढ़ा सर 1000 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना होगा 1/1000 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया 1/1000 किलोमीटर, ठीक है बेटा। ये कन्वर्जन होता है और यही हमें पढ़ना है, यही ध्यान देना है। आज के लिए आज की क्लास में इतना काफ़ी है, बाकी का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।